नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 46 की। 46 में प्रश्न दिया गया, पहला, दिए गए शब्दों के एकवचन शब्दों पर गोला लगाना है, जैसे कि जुराबे, सत्री, जूते, मोजे। इस तरह से इसमें सत्री एकवचन है, घोड़े, किताब, बेटे, बकरियाँ, तो इसमें किताब एकवचन दिया गया है, लताएँ, समोसे, जलेबियाँ, जूता यहाँ पर एकवचन है, चूहे, केला, पत्ते, कुत्ते, तो यहाँ पे केला एकवचन है, पेंसिलें, खिलौना, कपड़े, मेवे, तो पेंसिलें, कपड़े, मेवे बहुवचन है और खिलौना एकवचन है। तो इस तरह से एकवचन के ऊपर गोल घेरा करना है। दूसरे प्रश्न में आपको बहुवचन लिखना है, खिलौना का खिलौने हो जाएगा, माला का मालाएं, पुस्तक का पुस्तकें, पेंसिल का पेंसिलें, कपड़ा का कपड़े, पत्ता का पत्ते, तितली का तितलियाँ, चिड़िया का चिड़िया, ऊपर केवल चंद्र बिंदु लगेगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न में शब्द से वाक्य पूरा करना है, जैसे कि यहाँ आगे तीन दिए, इनमें से तितलियाँ यहाँ भरा हुआ है, इसी तरह यहाँ हो जाएगा, सब बच्चों ने राष्ट्रगान गया, बच्चों हो जाएगा। तीसरे नंबर वाला, मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं, आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं लिखी, इस तरह से भरेंगे। चौथा प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है, मामा का मामी हो गया, मोर का मोरनी हो गया, शेर का शेरणी, बच्चा का बच्ची, सत्र का सत्रा, बकरा का बकरी, घोड़ा का घोड़ी, चूहा का चूहिया। फिर पाँचवें प्रश्न में लिंग बदल कर वाक्य पूरा करना है, सिंह का सिंहनी हुआ, मेरे, मेरी दादी और दादा, यहाँ जाएगा लिंग परिवर्तन करने पर, गांव में रहते हैं, सलमा के पास एक मुर्गी और एक मुर्गा है, मेरे गांव से मेरे मामा और मामी आए, बालक और बालिका खेल रहे हैं, बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा। तो इस तरह से आकलन तक का इस कार्यपत्र को कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्र नंबर 47 की। 47 में कहानी दी गई, उसको पढ़ना है, इनमें सारणी में से शब्दों को साट कर लिखना है। इसमें संज्ञा शब्द कौन से हैं, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द कौन से वो लिखने हैं, जैसे कि संज्ञा शब्द लोमड़ी है, बकरी है, घास, कुत्ता, हिरण, हाथी। सर्वनाम शब्द प्रयोग हुए हैं, वह, वह, उसके, उसे। क्रिया चरणे, आया, दौड़, भागे। विशेषण में हरी, थोड़ी, छोटे छोटे, लंबी लंबी, इस तरह से ये विशेष शब्द प्रयोग हुए इस कहानी में। फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जिसमें उचित शब्द छांट कर लिखना है, जैसे मोहन, कपिल, चलता, अच्छा, कमजोर, खेलता, जयपुर, पड़ता और चतुर, इस तरह से ये शब्द दिए गए। इसमें संज्ञा शब्द मोहन, कपिल, जयपुर हो जाएगा, क्रिया चलता, खेलता, पड़ता, विशेषण शब्द रहेगा अच्छा, कमजोर और शत्रु। फिर तीसरा प्रश्न है, हिरण के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी, शिकारी कुत्तों के झुंड को देखकर उसे डर लगा कि कहीं से हिरण के बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, इस कारण घबराने लगी। फिर चौथा प्रश्न दिया गया है, मोटे हाथी के आने से क्या हुआ, मोटे हाथी के आने से कुत्ते भाग गए, तो इस कहानी के अनुसार कुआं से कुत्ते भाग गए। उसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 48। 48 में आपकी भाषा में इन शब्दों को क्या कहा जाता है, उनका लिखना है, जैसे कि यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, गुरुजी, स्नान, सांद, चूहा, दोस्त, बिल्ली, पहाड़, तो इनको अपनी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार यहाँ पे आप लिख सकते हैं। गुरुजी को जैसे मास्टर जी बोलते हैं, स्नान को नहाना कहते हैं या झूलना भी बोलते हैं, चांद को चंदा है, चूहा को ऊंदरा भी बोलते हैं, दोस्त को मित्र है, पहला है, या फिर अपने हिसाब से बेली है, कुछ भी अपनी स्थानीय भाषा में अलग अलग बोला जाता है। बिल्ली को मिंकी है, मिनकी है, या फिर और अपनी स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है वो लिख सकते हैं, पहाड़ को मगरा है, भाकर है, कुछ ऐसे शब्द जो अपनी स्थानीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, कौवा को कागला, हड्डा, इस तरह से अपनी भाषा में बहुत सारे शब्दों का अंतर्गत बोला जाता है, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर दूसरे प्रश्न में इन शब्दों को खाली जगह में भरना है, जैसे कि सभी बड़ों, समय, साबुन, तालाब, सही, जैसे हमें रोज़ दातुन करना चाहिए, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, हमें खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, हमें तालाब में नहीं नहाना चाहिए, हमें सुबह और शाम सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। छठे प्रश्न में आपको वाक्यों का क्रम उलट फेर दिया गया है, जिनको ठीक करके लिखना है, जैसे नल का सानकर हमें पीना चाहिए पानी, तो हमें नल का पानी सानकर पीना चाहिए, इस तरह से वाक्य बनाना है। वह घूमता हुआ खाना खाने बाजार पहुंचा। अगला है, खरगोश ने लोमड़ी को देखकर गुड़ छिपा दिया। इसके बाद आएगा, सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए, इस तरह से ये वाक्य बनाएंगे। उसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 49। 49 में संयुक्त अक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है, जैसे कि यहाँ दो शब्द मिलकर के, जैसे कि रस्सी बना जिसमें संयुक्त अक्षर प्रयोग हुआ है, यहाँ हरप्रीत यानी दो दो शब्द यहाँ पे मिले हैं, लच्छी में भी मिले हैं, स्कूल, छुट्टी, उल्लास, गाना, लल्ला, दो दो वर्ण मिले हैं, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, तमन्ना, स्थान, प्राप्त, इस तरह से इसके नीचे रेखांकित करेंगे। उसके बाद लच्छा, पसंद, स्कूल, स्कूल, बच्चे, पक्के, कच्चे, समान, इस तरह से अंडरलाइन करेंगे। अगले प्रश्न में आपको रेखांकित संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने, जैसे कि पत्र में त्र के नीचे तो सात्र बन जाएगा, सत्र बन जाएगा, रक्षक के अंदर भक्षक, कक्ष, ज्ञानी के ज्ञान, ज्ञात, क्षत्रिय का रक्षा, कक्षा, इस तरह से आपको नए शब्द बनाने हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 50 की। 50 में चित्रों के सामने उनके 4-4 नाम दिए गए हैं, उनमें से एक नाम गलत है, उस पर गोल घेरा करना, जैसे कि घर को, ये घर है तो घर कहते हैं,
सदन कहते हैं और निकेतन कहते हैं। आकाश इसको नहीं बोला जाता, जो कि गलत है। सूर्य, सूरज और रवि तीन पर्यावासी हैं इनके, जबकि वृक्ष अलग है। तो इस तरह से गोल घेरा भिन्न अर्थ वाले के ऊपर करना है। फिर हो जाएगा पहाड़, गिरी, नग, पवन अलग हो गया, कमल यहाँ पे अलग हो गया, जलद, घन और मेघ बादल को कहते हैं। दूसरे प्रश्न में शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखने हैं, जैसे मानव का मनुष्य, रास्ता का पथ, ईश्वर का भगवान, बल का ताकत या शक्ति, मित्र का दोस्त या सखा, किताब का पुस्तक, सांप का चवच, खुशी का हर्ष या प्रसन्नता। इस तरह से आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया जिसमें सही समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखना है। फूल को सुमन बोलते हैं या लिखेंगे, दोस्त को मित्र बोलते हैं या लिखेंगे, बगीचा को उद्यान बोलते हैं या लिखेंगे, पत्ता को पात बोलते हैं या लिखेंगे। तीन तीन शब्दों में से एक शब्द यहाँ सामने लिखना है। उसके बाद आता है आंकलन नंबर 8। 8 में आपको एक गद्यांश दिया जिसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद पहला प्रश्न पूछा गया है, सुआ बहुत दिनों से बिल से बाहर नहीं आ पाया बारिश के कारण, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चूहे को दुकान दी कपड़े की। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया, सुआ था, नटखट था, चालाक था, शरारती, तीनों ही गुण थे उसमें प्रुख सभी, दुकानदार की नज़र किस पर पड़ी, चूहे पर पड़ी। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं, जैसे कि शरारती का चेतन हो गया, बारिश का वर्षा, झटपट का जल्दी और रास्ता का राह हो गया। इस तरह से ये समानार्थी शब्द लिखने हैं। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया है, गद्यांश में आए संयुक्त वर्णों से बने शब्द लिखने हैं, जैसे कि कच्छे, पुस्तकें, पक्के, रास्ते, अंदर, मुस्कुराने, मस्ती, ये संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं। फिर चूहे की विशेषता वाले शब्द छांट कर लिखने हैं, नटखट, चालाक, शरारती। नीचे दिए गए वाक्यों को क्रम के अनुसार जमा करके वापस लिखना है। तो चूसी मुझसे बहुत झगड़ती है, चूहा दुकान में बैठा मुस्कुराने लगा। फिर नवा प्रश्न पूछा गया, सुए ने ऐसा क्यों सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा, क्योंकि बारिश के कारण वह बहुत दिनों से अपने बिल से बाहर नहीं निकला, इस कारण। दुकानदार को देख चूहा क्यों मुस्कुराने लगा, वह बहुत चालाक और नटखट था इसलिए दुकानदार को देखकर मुस्कुराने लगा। तो इस तरह से आप आंकलन नंबर 8 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।